अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद आमना डॉट कॉम। मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हम पठान भाई बनके खुद किचन में आ गए हैं। तो आज हम पठान भाई की चार फेमस चीज़ें बनाएंगे, एक करक वाली मकई और एक सॉफ्ट वाली और एक साथ में मूंगफली और साथ में काला चना रोस्टेड। तो ये चीज़ें हम बनाएंगे आज। ये उन लोगों के लिए जो घर से दूर होते हैं, मतलब बाहर होते हैं, तो वो ये चीज़ें नहीं खा सकते, उन्हें ये चीज़ें वहाँ पर नहीं मिलती, तो वो घर में आराम से ये चीज़ें बना सकते हैं। काला चना रोस्टेड तो आप घर में हमेशा बना सकते हैं क्योंकि काले चने हर घर में मौजूद होते हैं, और वैसे भी मूंगफली का सीजन है, तो मूंगफली घर में कच्ची लाएं और उसे रोस्ट करें और उसे गर्मा गर्म मजे लें इसे खा के। और जो मकई है उसका सीजन तो हमेशा होता है, वो तो हर सीजन में होती है, तो आप इसे खा सकते हैं। और ये चार चीजें आप देखिए मैं कैसे बनाती हूँ, और ये हैं पठान भाई की चार फेमस चीजें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब भी मौसम बहुत ज्यादा अच्छा होता है, सर्दियों में स्पेशली, तो हम जाते हैं मकई वाले के पास और उससे कहते हैं हमें मकई दे दो। तो वो आप लोगों को कहता है कौन सी मकई, नरम वाली चाहिए कि सख्त वाली चाहिए। तो मैंने दोनों मकईयाँ आज ली हैं, एक नरम वाली भी और एक सख्त वाली भी। तो इस नरम वाली मकई को हम डेंट कॉर्न कहते हैं और इस सख्त वाली मकई को हम फ्लैट कॉर्न कहते हैं। तो ये जो सख्त वाली मकई है इसे इंडियन कॉर्न भी कहा जाता है। तो अब हमने लिए हैं ये काले चने जो घर में हमेशा मौजूद होते हैं। बस इस तरह करना है, इसे हमने भिगो के रख लेना है, चाहे आप रात भर भिगो के रख लें या आप 5-6 घंटे के लिए भिगो के रख लें। उसके बाद करना है पानी से निकाल लेना है, कुछ भी नहीं लगाना, ना सोडा ना नमक, कुछ भी नहीं, उसे पानी से निकाल के उसे खुश्क कर लेना। तो ये खुश्क हुए हुए काले चने हैं। और ये हमने मूंगफली ली है कच्ची वाली। तो अब हम सबसे पहले करेंगे ये सख्त वाली मकई को रोस्ट। तो जब हम मकई वाले के पास जाते हैं तो हमें लगता है ये रेत में रोस्ट कर रहा है, लेकिन वो रेत नहीं, वो नमक भी होता है साथ में, तो आज हम नमक में इसे रोस्ट करेंगे। तो आप जिन जगह पे ये नहीं मिलती वो घर में ला के आराम से बना लें और मज़ा लें। तो सबसे पहले हमें पुरानी सी कढ़ाई चाहिए, घर में पड़ी होगी आपकी गंदी सी कढ़ाई, तो वो ले लें और उसमें ये नमक डाल दें। तो ये नमक, ये देखें आप, ये वही नमक है जो हम घर में खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने इसमें नमक डाल दिया है और अब हम नमक को अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे गर्म कर लेंगे। तो नमक मैंने इसमें 1.5 कप डाला है। आप अपने बर्तन के मुताबिक, अगर आपका बर्तन छोटा है तो आप थोड़ा डाल लें, अगर ज़्यादा बड़ा है तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो अब नमक को हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। जब नमक का हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तो समझे नमक हमारा गर्म हो गया है। जितना गर्म होगा ये ज़्यादा, तो उतना हमारे लिए अच्छा है, जो मकई जो चीज़ें हैं वो जल्दी से भुन जाएंगी। आप जिस बर्तन में बेकिंग करते हैं, जैसे मैं बेकिंग करती हूँ पतीले में, तो मैं नमक डालती हूँ, तो आप वो वाला नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये नहीं कि आपने ये नमक इस्तेमाल किया और आप फेंक दिया है, तो ये नमक आप रखें, जब आपका दिल करेगा मकई बनाने को तो आप फिर बना लेना। 5 मिनट में अच्छे से नमक गर्म हो गया। अब इसमें हम थोड़ी थोड़ी मकई डालेंगे और इसे रोस्ट कर लेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी। तो ये देखें, बस थोड़ी सी इसे रोस्ट करना है और साथ ही इसे निकाल लेना है। ये देखें, एहतियात रखें, ये फटती हैं ऐसे ऐसे। तो अब इसे हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी रोस्ट हुई है। अब इसे हम एक प्याले में निकाल लेंगे और इसी तरह हम सारी कर लेंगे। तो ये देखिए सख्त मकई वाला बोल हमारा तैयार है, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, गर्मा गर्म। तो अब हम बनाएंगे नरम वाली मकई। तो इसे उठा के, तो अब इसमें हम डालेंगे, अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, जब नमक अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो आप फ्लेम को कम कर देना, ये ना हो आप नमक को हाई फ्लेम पर रखें और उसे पकाते जाएं तो वो आपका नमक जल जाएगा। तो मैंने इस वक्त फ्लेम को मीडियम कर दिया है। तो अब इसमें हम डालेंगे नरम वाली मकई, मिक्स करेंगे और जैसे ये फूल जाएगी तो हम इसे निकाल लेंगे। तकरीबन 1 मिनट से भी कम लगता है और ये देखिए खुशबू बिल्कुल सेम वैसी आ रही है जैसे हम मकई वाले के पास खाने जाते हैं। और ये देखिए नमक का कलर भी वैसा ही हो गया। हम बचपन में सोचते थे कि ये रेत होती है, तो ये रेत नहीं, ये नमक ही होता है, वो नमक ही इस्तेमाल करते हैं। और जितना हम इसे इस्तेमाल करेंगे इसका कलर चेंज होता जाएगा। ये देखिए ये भी हमारी मकई तैयार है, इसको भी निकाल लेंगे। और इस मकई को भी हम एक बोल में निकाल लेंगे और बाकी की भी हम इसी तरह कर लेंगे।
तो ये हमारी नरम वाली मकई तैयार है, अब हम मूंगफली बनाएंगे। और ये देखें जैसे जैसे हम मकई बनाते जा रहे हैं, हमने हल्की फ्लेम की, उसके बाद हमने तेज़ की, क्योंकि नमक हमारा ठंडा ना पड़ जाए, तो हम साथ साथ नमक को अच्छी तरह गर्म भी करते जाएंगे। तो अब मैंने फ्लेम को थोड़ा तेज़ किया और अब इसमें हम मूंगफली डालेंगे और इसे भी हम रोस्ट करेंगे। तो ये देखें मूंगफली को हमने बहुत कम रोस्ट करने, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाती है, तो इसे निकाल लेंगे। नमक काफ़ी ज़्यादा गर्म था तो इसलिए मूंगफली हमारी जल्दी रोस्ट हो गई है, तो इसको भी हम एक बॉल में निकाल लेंगे। तो ज़बरदस्त सी गर्मा गर्म सी हमारी मूंगफली तैयार है, और जो बकी की रह गई वो भी हम कर लेंगे। तो ये मूंगफली भी हमारी तैयार है, और अब हम करेंगे काले चने को रोस्ट। और आप ये भी देखिए नमक का कलर कितना चेंज हो गया, जब मैंने डाला था बिल्कुल व्हाइट कलर था, तो अब इसका कलर कैसे चेंज हो गया, ऐसा लग रहा है कि हम रेत का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब इसमें हम चने डालेंगे और थोड़ी सी फ्लेम तेज करेंगे और इसे रोस्ट करेंगे। तो ये देखिए ये भी रोस्ट हो गए, इसे भी हम निकाल लेंगे और इसको भी हम बॉल में निकाल लेंगे। तो ये जो बच गए हैं इन्हें भी हम कर लेंगे। तो ये हमारे काले चने भी रोस्ट हो चुके हैं, और मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने अच्छे रोस्ट हुए हैं। तो ये मैंने चना पकड़ा और ये देखें ऐसे मैश हो गया, बहुत मज़ा आता है इसे खाने में। अगर आप डाइट में हैं तो आप इसे खा सकते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं ये। तो ये चारों चीज़ें तैयार हैं जो पठान भाई से मिलती हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ की कमी है, वो है गुड़ वाली मकई, जो मेरी फेवरेट है, जिसे मुझे बहुत ज़्यादा खाने का शौक है। तो उसे मैं बहुत ज़्यादा शौक से खाती हूँ सर्दियों में, तो मेरे पास गुड़ मौजूद नहीं था, तो मैंने आपको नहीं बनाना सिखाया, लेकिन बहुत जल्द मैं आपको बनाना सिखाऊंगी अपने इसी चैनल में। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं लास्ट में आपको कौन बनाना सिखाऊंगी, तो मैं आपको कौन बनाना सिखा रही हूँ। एक पेपर ले लें, तो उसे आपने इस तरह इस साइड से पकड़ना है, इस साइड से पकड़ के आपने इसे इस तरह कर लेना है, मतलब ये वाली साइड आपने अंदर ले जानी है और ये वाली साइड ऊपर ले आनी है, और इसको उठा के आपने इस तरह करना है, और जो ये नीचे वाली साइड है इसे आपने इस तरह से फोल्ड कर देना है, इस तरह। ये इजी है, आप बच्चों को बना के दे सकते हैं। तो ये देखें कौन हमारी तैयार है, अब इसमें हम मकई को डालेंगे। तो सबसे पहले हमने जो मकई बनाई थी हम उसी को डालेंगे, तो अगर आपको ये पठान भाई की चार फेमस चीज़ों की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, और इस बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो जाएं लाइफ विद आमना में जाकर उसे सब्सक्राइब करें इस बटन पे क्लिक करके, और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज़। और ये गर्मा गर्म मकई, मूंगफली और चनों का मज़ा लें।